Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. हिल पे गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. किसने तोड़ा टाइगर का दिल? किस पर था दिशा का क्रश? क्या कहा दिशा ने इस पर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में. बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों अपनी फिल्म एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन में बिजी है. इस फिल्म में उनके साथ अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम और तारा सुतारिया भी नजर आएंगे. वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान तमाम इंटरव्यूज कर रही हैं. दिशा पाटनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने क्रश के बारे में खुलासा किया है. दिशा पाटनी के इस इंटरव्यू के बाद उनके एलिजिड बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ का दिल टूट जाएगा. पिंक वेला के साथ बात करते हुए दिशा पाटनी ने कहा, जब मैं स्कूल में थी तब रणबीर कपूर की बड़ी फैन थी. मैं कई एक्सीडेंट में फंसी हूँ क्योंकि मैं उनका पोस्टर देखती थी. मेरे शहर में उनका एक बहुत बड़ा पोस्टर था. मुझे लगता था कि वो किसी ब्रांड के पब्लिसिटी के लिए लगा था और मैं बस उसे देखती थी और अपनी स्कूटी को ड्राइव करते हुए बहुत सी चीजों से टकरा जाती थी. दिशा पाटनी से पूछा गया कि उन्होंने रणबीर कपूर को इस बारे में बताया था. इस पर दिशा पाटनी ने कहा, सच में नहीं लेकिन मैं ऐसा करूंगी. आपको क्या लगता है कि ये बात सुनकर टाइगर का क्या रिएक्शन होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं. वैसे अब टाइगर और दिशा को एक साथ दोबारा उनकी अगली फिल्म रैम्बो में देखा जा सकता है. मेकर्स का कहना है कि जिस तरह से टाइगर और दिशा को लोगों ने बागी 2 में पसंद किया था, ठीक उसी तरीके से दोनों की केमिस्ट्री को रैम्बो में लाया जा सकता है. पर अभी तक दिशा ने इस पर अपने व्यूज नहीं रखे हैं. आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और हाँ, आपके लिए एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं. और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़.